हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मदर्स डे स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बैंगल्स ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 बैंगल्स लिया है। तो अब सारे बैंगल्स को फेविकॉल के हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। तो मैंने एक पर एक सारे बैंगल को स्टिक कर लिया है। थोड़ी देर हम उसे ड्राई होने देंगे। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का ऊन लिया है। मैं अपने बैंगल को इसी से कवर करने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले अच्छे से इसे बांध लेंगे एंड हम इसे फेविकॉल से स्टिक कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह फिक्स रहे। अब हम पूरे बैंगल को इस तरीके से कवर करते जाएंगे। तो मैंने बैंगल को ऊन से अच्छे से कवर कर लिया है एंड उसे बांध के फेविकॉल से इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने बैंगल को डेकोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन से ही डेकोरेट कर रही हूँ। मैं उसी से ही डिज़ाइन बना रही हूँ एंड स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का ही यूज़ किया है। तो सेम डिज़ाइन हम सेम साइड में बनाएंगे एंड फिर उन दोनों के सेंटर में हम फिर वही डिज़ाइन बनाएंगे ताकि हमारे सारे डिज़ाइन का गैप सिमिलर रहे। एंड अब उन दोनों के डिज़ाइन के बीच मैं कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दे दे रही हूँ ताकि हमारा बैंगल और ब्यूटीफुल लगे। तो अब हमारा ये ब्यूटीफुल सा बैंगल रेडी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट गिफ्ट रेडी है। तो इस तरीके के हैंडमेड गिफ्ट आप बना के अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हो, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो सेकेंड गिफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ। तो हम सेलो टेप को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे एंड उसे आपस में ही स्टिक करते जाएंगे। मैंने फिर से फोल्ड किया है, अब मैं इसे फिर से फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने इसे 5-6 बार इसी तरह फोल्ड करते हुए आपस में स्टिक कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी एंड थोड़े मोड़े जो बबल्स थे उसे हम सीजर से फ्लैट कर लेंगे। तो हमारा ये प्लास्टिक शीट रेडी है। अगर आपके पास कोई हार्ड प्लास्टिक शीट हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे पास था नहीं तो मैंने ये आइडिया लगाया। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मिरर स्टिक किया है। अब मैं बॉल चेन स्टिक कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से बनाएंगे। मैं यहाँ पे रिंग बना रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने 3 बार यहाँ पे राउंड करके बॉल चेन लगाया है, उसे अच्छे से स्टिक कर लिया। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टोन वगैरह स्टिक कर रही हूँ। हमारा डिज़ाइन फाइनल रेडी है। अब मैं इसे कट करूँगी। तो जितना एक्स्ट्रा था मैं उसे कट करके निकाल लूँगी। तो हमारा ये रिंग का डिज़ाइन तो काफ़ी ब्यूटीफुल बना। तो चलिए अब हम रिंग बनाते हैं, जिसके लिए मैंने ये वायर का यूज़ किया है। तो अब फेविकॉल के कैप से हम रिंग का शेप ले लेंगे। इसे इस तरीके से अच्छे से घुमाते जाना है ताकि हमारा शेप काफ़ी अच्छा निकले। तो फाइनली हमारा रिंग का शेप बिल्कुल राउंड है एंड जो थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा वायर थे उसे हम कट कर लेंगे एंड फिर से कैप के अंदर घुसा के हम उसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे।
तो हमारे इस रिंग का शेप तो बिल्कुल अच्छा आया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसे स्टिक करते हैं। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ किया है। फेविक्विक से हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारा रिंग अच्छे से स्टिक हो चुका है, ये बिल्कुल गिरेगा नहीं। तो हमारा रिंग रेडी है। तो हमारा रिंग एंड बैंगल दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल बना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।